हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है राजस्थान की तरफ से, AEN JEN की वैकेंसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा राजस्थान में AEN JEN की वैकेंसीज पे BE BTech डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होते हैं। अब तक जितनी वैकेंसीज आई हैं उनमें ऐसा ही होता है और ऑल ओवर इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी राजस्थान स्पेसिफिक इसमें डोमिनेटेड नहीं होता है। एज जनरल जो भी हो कैंडिडेट पूरी एंटायर इंडिया से फॉर्म फिल कर सकते हैं और BE BTech डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट होता है। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आ रही है राजस्थान JEN से रिलेटेड वाया RTI थ्रू ये पता चला है, ठीक है। क्या पता चला है वो मैं बता देता हूँ। देखो कुछ वैकेंसीज जो हैं जो अभी फिलहाल में लोग उसमें जॉब कर रहे हैं वो रिलेटेड पूरा डेटा शेयर किया गया है। उसके बाद में जो कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज बची हुई हैं कितनी वैकेंट सीट हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन आई है। तो इससे ये पता चलता है कि कितनी वैकेंसीज आगे आने वाले रिक्रूटमेंट में हो सकती हैं ब्रांच वाइज, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि सिविल की वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं JEN में और AEN में, राजस्थान की में भी, और वैसे भी जो भी नॉर्मल किसी भी स्टेट की वैकेंसीज निकलती हैं तो सिविल की वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, तो एज यूजुअल इसमें भी हैं। लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का भी डेटा है, चलो मैं आपको वो दिखाई देता हूँ कि उस डेटा में क्या है। उसके बाद में हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपकी RRB JEN और जो SSC JEE का वैकेंसीज आने वाली हैं। आपको पता ही SSC JEE का रिक्रूटमेंट आने वाला है कुछ दिन में, बाद में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और नवंबर के मंथ में आपका पेपर होने वाला है, तो उन सबसे रिलेटेड भी बात करेंगे। और तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि राजस्थान की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जो भी आपका 75th इंडिपेंडेंस डे पे ऑफर निकाला है इंजीनियर्स एकेडमी ने, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं और आपको अब डेडिकेटेडली तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो ये, तो देखो ये है राजस्थान की रिलेटेड जो मैं सैंक्शनड पोस्ट की बात कर रहा था और जो आपकी वैकेंसीज आउट होने वाली हैं। देखो चीफ इंजीनियर, अब टोटल वैकेंसीज मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे होने वाली हैं। देखो वैकेंट वाली इधर लिखी हुई है लास्ट में और टोटल फिर सबसे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हो चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एडिशनल CE और सिविल के लिए, और फिर ये टोटल मिला के SE मैकेनिकल XEN AEN AEN JEN जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टोटल वैकेंसीज यहां पे वैकेंट वाली लिखी हुई हैं आप सभी लोगों के लिए, तो यहां पे जरूर देख लेना। आप सबसे नीचे यहां पे देखने को जैसे ही आप देखोगे तो 781 वैकेंसीज लिखी हुई हैं, तो टोटल वैकेंसीज आपकी जो होने वाली हैं वो 781 वैकेंसीज। देखो ऊपर टोटल लिख भी रखा है, देखो ये लिखा हुआ है यहां पे कि वैकेंसीज होने वाली हैं। अब इसमें से देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि 68 डिप्लोमा पोस्टेड होंगे और 256 अपॉइंटेड पोस्टिंग ड्यू, ठीक है। 256 जो होंगे वो डिग्री अपॉइंटेड होंगे एंड पोस्टिंग ड्यू होंगे। 488 एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड, ठीक है। तो 488 वैकेंसीज का एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो चुका है, तो ये सब कुछ है। अभी आपका जल्दी से आपका रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा, ये राजस्थान से रिलेटेड। तो दोस्तों अब आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि बिना प्रिपरेशन के तो आपका होने नहीं वाला है। इसमें जो भी कैंडिडेट ने राजस्थान AEN या JEN का पहले पेपर दिया था या फिर जो फ्रेश कैंडिडेट है, क्योंकि देखो इसमें डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए उसके बाद में वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं जो 75th अपना ये इंडिपेंडेंस डे आने वाला है 15th ऑफ अगस्त को, तो उससे रिलेटेड इंजीनियर्स एकेडमी ने लोगों के लिए बहुत ही अच्छे मिनिमम प्राइस में कोर्स निकाले हुए हैं, तो मैं वही आपको दिखाता हूं पूरा, ठीक है। तो ध्यान से देखना जो भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहता है RRB JEE की, क्योंकि देखो कभी भी किसी भी क्षण आपकी RRB JEE की नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, क्योंकि मैं आपको हर इंफॉर्मेशन छोटी से छोटी देता चला आया हूं, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। CBT 1 जो होता है प्योरली नॉन टेक्निकल होता है, CBT 2 में टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव पूछा जाता है आपसे। चलो मैं दिखा देता हूं आपको। तो दोस्त निब्बस लर्निंग, आपको पता ही है इंजीनियर्स एकेडमी और निब्बस लर्निंग का प्लेटफॉर्म ऑनलाइन वाला है। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने एक आपके लिए RRB JEE के लिए, तो RRB JEE के लिए आपका एक बैच इन्होंने मिशन बैच करके निकाला है और स्टेट JEE संकल्प बैच निकाला है। ये बैच आपके लाइव स्टार्ट होने वाले हैं 17th ऑफ अगस्त को। हर कोर्स में आपको 9 और 10 तारीख यानी कि आज के दिन और कल के दिन के लिए 50% ऑफ मिल रहा हर बैच में, ठीक है। अब मैं और आपको दिखा देता हूँ उनकी डिटेलिंग्स। देखो 75th आज़ादी के अवसर पर आपको 9th को और 10th को 50% ऑफ मिल रहा है ऑल रिकॉर्डेड बैच पे और लाइव बैचेस पे जो आपके संकल्प बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और गेट पे भी आपको देखो ऑफ मिलेगा, गेट का लुज लाइव बैच है वो आपका 9999 का होने वाला है, रिकॉर्डेड बैच 1899 का होने वाला है लक्ष्य बैच। इस सभी के लिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, जो ये नंबर दे रखा है 7374000088, ठीक है। तो ये सब पे आप कॉल भी कर सकते हो। और गेट 24 के लिए आपका आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि आपका 14999 का
का है लाइव बैच, ये 24 का, ये वाला गेट नहीं अगले वाले गेट के लिए, और रिकॉर्डेड बैच होने वाला आपका 3999 का। अब आपको ये पेमेंट भी नहीं करने वाला, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इस वीडियो को उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो आप जिंदगी यूपी की कोड डाल देना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा जिंदगी यूपी की कोड डाल देना, और एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिल जाएगा इसके बाद भी एडिशनल, तो ये सब आपके लिए हो जाता है। अब देखो मैं आरआरबी जी से रिलेटेड कुछ आपको डेटा शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि क्या क्या आने वाला होता है। देखो उसमें आपका जो पहला वाला सीवीटी होता है, तो ये वाला पोर्शन तो आपका कॉमन रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये पहले वाले सीबीटी के लिए हर चाहे किसी भी ब्रांच से आप ताल्लुक रखते हो ये सब में कॉमन होगा, ठीक है। सेकंड वाले सीबीटी में ये वाला पोर्शन तो आएगा ही आएगा, उसके बाद में दो सब्जेक्ट और ऐड हो जाते हैं, ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन, उसके बाद में फिर आपका ये टेक्निकल पोर्शन आएगा, ये मैकेनिकल का है, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट का हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये सीबीटी 2 का पेपर है, और पहले वाले में केवल पहले 4 आपके आने वाले हैं सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही आपके सिविल वाले कैंडिडेट के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है। उसमें क्या क्या होने वाला है, देखो ये सब चीज़ कॉमन रहती है, पहला सीबीटी सबके लिए कॉमन होता है, पहले वो क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद में आप सेकंड सीबीटी के लिए बैठोगे। सेकंड सीबीटी में जो पूरा टॉपिक आता है पहले वाला वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस में दो टॉपिक और बढ़ा देते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन। लेकिन जो सीबीटी 1 होता है उसमें इन्वायरमेंटल, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। तो दोस्त जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से तैयारी नहीं करने आपको, अगर उस दिन से बैठोगे तो क्लियर नहीं होने का, भूल जाओ आपकी वैकेंसीज निकली भी थी। इसीलिए पहले से आपको नॉन टेक्निकल बेस बना के चलना पड़ेगा। सीबीटी 1 बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है टेक्निकल वाले कैंडिडेट्स के लिए, इसीलिए इसमें रेट ऑफ सिलेक्शन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि नॉन टेक्निकल पोर्शन टेक्निकल वाले कैंडिडेट्स का बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है उन सभी लोगों के लिए, वो नहीं पढ़ते हैं इसको। इसीलिए डेडिकेटेड बैच चला दिया है इंजीनियर्स एकेडमी ने और निब्बस लर्निंग, इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उन्हें जाके जरूर से चेकआउट करना, ठीक है। और सब पे आपको जो भी कोर्स परचेज करने जा रहे हो, मेक श्योर दैट उस पर जिंदगी यूपी की कोड लगाने ना, क्योंकि आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और वैसे भी अब तो किसी भी जेई के किसी भी एई का कोर्स परचेज करोगे तो उस पर भी 50% फ्लैट ऑफ मिल रहा है आपको, 75th इंडिपेंडेंस की आज़ादी के मौके पर, और ये 9th और 10th यानी कि आज और कल के लिए ही वैलिड है, उसके बाद में ये वैलिड नहीं होगा। तो जल्दी से जाके, अगर आपने प्लान बना रखा है तो जल्दी से जाके कोर्स परचेज करो, ठीक है। और इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। अपनी पढ़ाई जरूर करते रहना, पढ़ाई में कोई भी कंफ्रोमाइज नहीं करना, चाहे कैसे भी पढ़ो कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहना, और हर नोटिफिकेशन मैं प्रोवाइड करूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी आपको। जो भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी जैसी भी आएंगी वो मैं सब आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है दोस्त। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।